अगर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की नेट रन रेट से बेहतर होना है तो पाकिस्तान को मुकाबला अगर रन चेस कर रहे हो तो 35 ओवर 35 ओवर के अंदर अंदर रन चेस करनी है। ये तो हो सकता है। अगर चिन्नास्वामी में पाकिस्तान को डिफेंड करना है तो 83 रन से डिफेंड करना है अगर वो न्यूजीलैंड से नेट रन रेट बेहतर करना चाहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैश करवा यार, इसको लिखवा दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है लक्षित ने, जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं चाहे दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, भाई आप समझ लो ये पाकिस्तान का बड़ा जेन्युइन चांस बन चुका है, बहुत जेन्युइन चांस है। ऐसा नहीं कि चांस नहीं है, प्रिडिक्शन बताइए यार, बिकॉज कुछ के एक दोस्त ने भेजा था कि 21% चांस है पाकिस्तान का, इट इज नॉट अ लेस चांस, कोई बड़ा बहुत कम चांस नहीं है, 21% चांस बन चुका है पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने को। मेरे को तो मजा आ जाएगा अगर आओगे ना, कसम से यार बड़ा मजा है, बहुत मजा। देखो भाई, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाले गेम में अभी लक्षित ने आपको बताया, हाँ। अगर पाकिस्तान को अपनी नेट रन रेट ऊपर करनी है न्यूजीलैंड से, या तो आप 83 रन से उनको मारो, मतलब कि आपने बैटिंग पहले करी, लेट से आपने बनाए 200 रन बनाए, 83 रन से आप जीतो, मतलब वो फिनिश करे 117 पे उनको ऑल आउट कर दो। अगर 83 रन आपसे आप जीते तो आपकी नेट रन रेट ऊपर होगी, प्लस अगर उन्होंने बनाए जस्ट फॉर एग्जाम्पल 200 रन, वैसे चिन्नास्वामी में तो ज्यादा रन बने, हाँ। अगर उन्होंने 200 रन बनाए न्यूजीलैंड ने और आपने 35 ओवर में चेस कर दिए, 35 ओवर्स में पाकिस्तान ने चेस कर दिए, तो आपकी नेट रन रेट ऊपर हो जाएगी न्यूजीलैंड से। और जो फटे हाल आज न्यूजीलैंड हो गई है, पाकिस्तान ये अचीव कर सकती है फीट, बिकॉज पाकिस्तान, देखो दो चीजें हुई हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का पिछला मैच बांग्लादेश के साथ बुरी तरह मारा बांग्लादेश को, उनकी नेट रन रेट बेटर हो गई, पांचवें नंबर पे आ गए, हालांकि पॉइंट्स देख ले पॉइंट सेम है, बट इसमें सुजान पॉइंट्स पाकिस्तान के अफगानिस्तान के सेम है, नेट रन रेट बढ़ी है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड करने वाला, एक मैच से कम भी है वैसे, एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड करने वाला बन जाता है, ये भी फिर पाकिस्तान को देखना होगा, जो न्यूजीलैंड ने इनके सपना अगला मुकाबला, क्योंकि इसके बाद एक एक और मैच बचा होगा, जिस मार्जिन से न्यूजीलैंड वो मैच जीता होगा आपको उससे ज्यादा मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, ताकि अब उसके बाद भी चार पे प्रेस करो। वन स्टेप एट अ टाइम, लक्ष्य देखो इतनी आगे नहीं जाना, पहले वन स्टेप एट अ टाइम, सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए पाकिस्तान का या फिर अफगानिस्तान का भी, बाय द वे सबसे पहला गोल ये है भाई कि आप टॉप फोर में जगह बनाओ। टॉप फोर में जगह कैसे बनेगी, पॉइंट्स इक्वल करो, पॉइंट्स इक्वल कैसे होंगे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, अफगानिस्तान ने, अच्छा बाय द वे अफगानिस्तान नेदरलैंड कब है भाई, अफगानिस्तान नेदरलैंड कब है, बिकॉज अफगानिस्तान नेदरलैंड पे तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा, अगर परसों अफगानिस्तान फ्राइडे अगर जब भी है अफगानिस्तान नेदरलैंड जब होगा तो अफगानिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान से ऊपर हो जाएंगे बॉस, तो पहले तो अफगानिस्तान पांचवें नंबर पे आएगा, फिर अफगानिस्तान के प्लस अफगानिस्तान के जो बाकी के मैचेस हैं, अगर उन्होंने एक जीत लिया, कोई गारंटी नहीं है भाई कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाएगा जी, कोई गारंटी नहीं है कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाएगा, अफगानिस्तान की नेट रन रेट और कम है तो उनको मुश्किल होगा, लेकिन उनका चांस है, जेन्युइन चांस है, पांच मैच जीत के वो भी जा सकते हैं, खैर उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, लेकिन चलो अभी आपको हमने ब्रेकिंग यही दिया कि पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को 83 रन से हराया या फिर चेस करते हुए 35 ओवर्स में चेस कर दिया तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ जाएगी, नेट रन रेट उनका न्यूजीलैंड से आगे हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्लोज मैच हुआ, लेट से लास्ट बॉल तक चला गया, दो रन से एक रन से जीत गए, चेस करते हुए 49th ओवर 48th ओवर तक चेस, तो पॉइंट्स मिलने के बावजूद भी क्योंकि नेट रन रेट न्यूजीलैंड की ज्यादा है, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड ही रहेगी, इसीलिए बोल रहा हूं वन स्टेप एट अ टाइम, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाला मैच है भाई, इनको बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से, तगड़े मार्जिन से, सिर्फ 83 पे नहीं देख रहा मैं, उनको कोशिश करनी चाहिए 100-150 से हराएं, ताकि हमारा नेट रन रेट इतना हो जाए जो इन्होंने टुक टुक करा था, इसीलिए मेरे को गुस्सा चढ़ा था ना उस दिन, टुक टुक बनता नहीं था बांग्लादेश वाले गेम में, इनको चाहिए बड़े मार्जिन से हराएं और ये आ जाए टू बीट न्यूजीलैंड, नेट रन रेट आ भी गया, पाकिस्तान नीड टू विन बाय अप्रोक्सीमेटली 83 रन और चेज इन अप्रोक्सीमेटली 35 ओवर्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये पड़ाव आपको लग रहा है लक्ष्य, जिस जो हाल हुआ है न्यूजीलैंड की टीम का, ये पड़ाव कम से कम आपको लग रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान अचीव कर सकती है। ये सुशांत एक पॉइंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की आप बात करो, न्यूजीलैंड का इतिहास साउथ अफ्रीका के जैसा नहीं है जो चोकर्स हैं, न्यूजीलैंड एक वो टीम है जिसका चैंपियन माइंडसेट है, फॉर्मर वर्ल्ड कप के रनर्स अप ये टीम रही है, इंजरीज वाला एक पॉइंट है कि इंजरी तो इनको खराब कर रही है, इंजरीज ना होती लक्ष्य तो मैं कभी नहीं बोलता हाँ, पाकिस्तान का चांस है, पाकिस्तान का इंजरीज बहुत ज्यादा, इंजरी इनको बहुत खराब कर रही है, लेकिन वो भी टीम दो मैचेस हार कर आ रही है, ये आप कहोगे कि भाई यही मैच है
कि जो आपके नंबर चार की स्पॉट को कंफर्म करेगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पर ये टीम है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान नीदरलैंड को हरा देगा, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दोनों को हराना ये शायद अभी के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपने चांसेस और ज्यादा मजबूत करेगा, उनके कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, उनके लिए भी फॉर्म में आने का चांस होगा, और साउथ अफ्रीका भी अगर उस दिन कहीं आप बात करें तो उनको भी अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है, हालांकि वो मैच अफगानिस्तान के लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है अगर वो अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे दें, वो बात बात की रहेगी, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की इंजरीज पाकिस्तान के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन सुशांत भाई पाकिस्तान की टीम एक करंट सिचुएशन पे परफॉर्म करती है जहां पर उनके लिए डू और डाई का मैच होता है, इसमें इतिहास पाकिस्तान के साथ भी है, इतिहास पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं, साथ ही है न्यूजीलैंड के हिसाब से साथ, जब जब इनको जरूरत पड़ी है न्यूजीलैंड बीच में आया, इन्होंने हमेशा न्यूजीलैंड को हराया, आप ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप देख लो, न्यूजीलैंड आया सेमीफाइनल में, ये लोग कहीं से मरते मराते बारिश हो गई या जो भी, जिम्बाब्वे से भी हार गए, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई, ये आ गए, इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया, इनके इतिहास रहा है हमेशा न्यूजीलैंड को हराते हैं, बाय द वे हमेशा साउथ अफ्रीका को भी हराते थे, इस बार हार गए, अब तो सोच ले उस दिन 9 विकेट आउट थी, अगर साउथ अफ्रीका से जीत गए होते ये तो 100% कंफर्म हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी न्यूजीलैंड वर्सेस आपको उस पे आ जाइए, देख लिया हमने 83.7 में, देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, अच्छा मुझे एक बार वर्ल्ड कप का शेड्यूल दिखाओ यार कि कौन से मैच कब है, कल तो इंडिया श्रीलंका है राइट, इंडिया को भी भाई बड़ा ध्यान से चलना है मैच, हारना हम टॉप फोर में तो हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं नंबर वन पे फिनिश करना या नंबर टू पे फिनिश करना, मैं पर्सनली चाहूंगा आप नंबर वन पे फिनिश करो, बिकॉज अगर न्यूजीलैंड जैसी टीम रेंग वेंग के आती है तो इजी मैच हो गया ना हमारे लिए, आधे तो उनके प्लेयर्स ही नहीं है, अभी भी भाई न्यूजीलैंड का चांस पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांस न्यूजीलैंड का है, बिकॉज उनकी नेट रन रेट बढ़िया है और उनका आखिरी मैच श्रीलंका के साथ है, लेट्स नॉट बी लाइक टू एक्साइटेड एज अ मतलब यहां पर अगर हम सोचे कि इंडिया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, नहीं भाई अभी भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज नेक्स्ट मैच जो है आपका न्यूजीलैंड पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड, और न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका क्या हरा लेगी न्यूजीलैंड को, अगर हरा लेगी फिर तो चमत्कार ही हो जाएगा, बहुत कम चांसेस, बट वही है कि यार उन टीमों पे दबाव नहीं होगा तब तक श्रीलंका और इंग्लैंड का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से श्रीलंका कल इंडिया से हारेगा उनका सफर वहीं पर खत्म हो जाएगा, इंग्लैंड के चांसेस वैसे ही 0.1% है, वो भी अगर कोई टीम खेलना छोड़ दे तभी कोई चांस है, वो तो वैसे ही बाहर है, यही होता है ना, मैं जो मेरे माइंड में समय स्ट्राइक कर रहा है, मुझे जो लग रहा है कि जाते जाते अगर अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा भी देते हैं, इंग्लैंड वो टीम हो सकती है जिनको अपना पॉइंट प्रूव करना होगा, सिर के ऊपर आपके कोई प्रेशर है नहीं, बिना प्रेशर के आप खेलोगे, और उस समय हो सकता है कि एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर उनका कोई भी एक बैटर चल गया, वो पार्टी स्पॉयलर्स तगड़े बन सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, लेकिन अभी के लिए भाई जो हमें लग रहा था कि शायद चौथे नंबर का स्पॉट जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, टॉप चार हमारे कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के लगातार 2 मैचेस हारना सारी चीजें एक बार फिर से जो है वो टेबल को एक बार फिर से खोल दिया, बिजनेस स्टेज एक बार फिर से खोल दिया है, आने वाले मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम की अगर सुशांत भाई बात करो ना, उस टीम के लिए एक बहुत बड़ा ना ड्रॉबैक है, वो हमने कल के मैच में देखा, कल पाकिस्तान मुकाबले में सिर्फ 4 फुल टाइम बॉलर्स के साथ उतरा है, पाकिस्तान उतरा आपके एक अपना हारिस शाहीन, अपना वसीम जूनियर और साथ ही में आपका चौथा बॉलर स्पिनर उसामा मिर, इस टाइम आपके पास ना शादाब है, नवाज पे आपको विश्वास नहीं है, आपका पांचवा बॉलर इफ्तिकार अहमद है और सलमान अली आ गए और बेंगलुरु के ट्रैक पर उनको भी पांचवा बॉलर नहीं उनके पास, एक बहुत बड़ी यहां पे दिक्कत जो है, परेशानी जो है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने शादाब नवाज दोनों को बाहर रख दिया, बांग्लादेश के अगेंस्ट ये ड्रामा चल सकता है, बट अगेंस्ट क्वालिटी साइड जहां पे आपने देखा इतने अटैकिंग बैटर भी है, ठीक है आज इनकी बैटिंग नहीं चली, पहले तो 380 भी चेस कर लिया था ऑलमोस्ट, जीतते हुए आ रहे थे, अभी थोड़ा सा देखो टीम नीचे जाती है ऊपर भी आती है ना, तो अगर आप 4 बॉलर के साथ ही जा रहे हो, शाहीन हारिस मोहम्मद वसीम जूनियर एंड उसामा मीर, पांचवा छठा ऑप्शन अगर पास सलमान आगा और इफ्तिकार है तो वो डेंजरस है।